हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अमेज़न के ट्रांसमीटर में कैसे लो रेंज हाई रेंज देखते करके बताता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रॉल और सेलेक्ट के सामने आपका उंगली रखिए और आपका ये रेड एलईडी ब्लिंक होना चाहिए। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूँ, मेंटेनेंस में जाके सेलेक्ट किया। अभी ये कैलिब्रेशन हो रहा है बटन का, तो जस्ट उंगली उधर जहाँ पर दिखा रहा है वहाँ पर रखिए और अब कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में हमें रेंज सेलेक्ट करना है, तो उधर चैनल ए में 4 मिलियम्स में। अब ये हम मेरा 0 मीटर क्यूब है, तो मुझे 0 मीटर क्यूब ही चाहिए। मैं आपको कैसे सेलेक्ट करते के बताता हूँ। सेलेक्ट के पास उंगली लेके जाओगे तो आगे होगा, आगे पीछे होगा, और स्क्रोल से आपका वैल्यू चेंज होगा। और अगर आपका बाहर आना रहेगा तो आप दोनों स्क्रोल और सेलेक्ट के सामने आपका उंगली रखोगे तो आप बाहर आ जाओगे। और एक चीज़ याद रखना कि वो रेड कलर का एलईडी ब्लिंक होना चाहिए जब आप दो उंगली रखते। और ये रहा हायर रेंज, सेम 20 मिलियंस में। और आपका सेलेक्ट हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए, अगर जब भी आप सेलेक्ट या स्क्रॉल में उंगली रखोगे तो एलईडी ऑन होकर ऑफ होगा। दोनों उंगली को पास में रखेंगे तो हमारा रेड एलईडी जो है वो ब्लिंक होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा, तो अब मुझे वापस से बैक करना है। तो मैं स्क्रॉल से एग्जिट किया, अगेन स्क्रॉल करके एग्जिट में है सेलेक्ट, अगेन स्क्रॉल किया एग्जिट, अगेन स्क्रॉल किया एग्जिट, अगेन स्क्रॉल किया एग्जिट, और ये रहा। थैंक यू।